हेलो सांग माने, एई वीडियो को देखुथिबा बड़ सान सब दर्शक बंधु को आम तरफ रु गोटे विज्ञापन। यह केवल गोटे कहानी मात्र एथिरे देखा जाउथिबा किंबा कुहा जाउथिबा सब भूत मंत्र दंत्र जादू विद्या काल्पनिक। वास्तव जीवन में भूत प्रेतर उपस्थिति दर्शाइबा आमर उद्देश्य नुह। रतनपुर नामक गाँव में राजू नामक गोटे युवक पक्षी मानकर शिकार करुथिला आउ ताकु बिक्री करे निजर जीवन जापन करुथिला। राजू बहुत निरीह थिला किंतु पक्षी मानक शिकार करिबारे भल शैली थिला। से गाँव समीरा नामक गोटे झील को भल पाउथिला। समीरा भी राजू को बहुत भल पाउथिला। समीरा रंगार झील जे से गाँव जमीदार घरे काम करुथिला। पैसा पछरे रंगा पगल, पैसा आसिले से स्वार्थपर हो जाए आउ जेकोड़ोसी प्रकार भूल काम कले भी से प्रस्तुत हो जाए। गोटे दिन राजू समीरा को एका सहित बुलिबारे रंगार घर चाकर देखिदेला। रंगा पाखक जाए, मालिक अमर छोट मालकिन से राजू सहित बुलुछि। अरे सूरी कौन कहुछ, सतरे कौन मोर झियो? हाँ मुनिज आखिर देखिछि। ए विषय रे काहाकु कहिबुनु? एपरि कहि सोमु को किछि टंका देला ओ सेठो पठाई देला। मोर झियो गोटे पक्षी धरिबा लोक को भल पाउछि छी। मु भाभीथिली गोटे झियो बड़ घर बहु हब, सी एमिती करिबो जणा नथिला। एबे जाय कि पचारिले भी सुनिबनी, मो कथा सुनिबनी, ता सहित ही बाहा हब। एबे कोन करिबी? रंगा मुंड को गोटे विचार आसिला, संगे संगे राजू को से घर को डकेला। तमे भल पाउछ ठीक अछि राजू, हेले मु मोर झियो को भल से बड़ करी छी, केमिति तमको देबी जोठी तमे भल से खाइ भी पारु न। हेले तमे जदि बाह करबा को चाहू छ गोटे शर्त अछि। शर्त अ कोन अछि मते कहंतु, मु मोर समीरा पई सब किछि करि पारे। गोटे वर्ष रे 3 लाख मुद्रा आनिले मु विश्वास करबी जे तमे मोर झियो को देखि पारिबो। मु मोर झियोर बाह तम सहित देबी, नहले गां को आ मोर झियो को छाड़ी कि चली जिबा को पड़िबो। ठीक अछि, गोटे वर्ष रे 3 लाख मुद्रा आनिबी आ समीरा सहित बाह हेबी। एतिकी कहि से जागरु चली गला। जाओ जाओ, 3 लाख कौन 3000 भी आनी पारिबनी, मु तुमको अर्जन करबा को देबिनी। अनाथ को उठिकार पक्षी मान को धरी एते टंका रोजगार करबा कष्ट। राजू गां छाड़ी देला आ बहुत चागेरे चाकरी खोजबा पई चेष्टा कला किंतु कोनोसी काम मिलिलानी। एते चेष्टा करबा पर भी चाकरी मिलिलानी। मते तो गोटे ही काम आसे सेटा हैला पक्षी को धरिबार। एबे मु कोन करबी? हां गोटे काम करे, जंगली कुकुड़ार भल दाम मिले, शीघ्र मु जंगल रे जाए, जंगली कुकुड़ा धरी की ताकु बिकी की पैसा नहीं आसे। से जंगल को गला, निंब गछ काठरे से जाल तैयारी कला, चारा रूप परे से सुखिला माछ पकेला। सुखिला माछ बासनारे बिले भूत जाल रे फसी गला। जेतेबेले राजू जाल पाखक आसला तेबे ताहु किछि भी देखा गलानि, किंतु कथा सुना जाउथिला। डरी जाय, कोन मोते किछि दिसुनि? अरे भूत नुहे तो? अरे डरनि, मो बिलेई भूत, ए जाल रे जदि तो मते मुक्ति दबो ताहले म तते देखा जिबे। भूत? बाप रे, मोते भूत रु डर लागे। ए तते कहिलि रा, डरनि रे झंडवान, बाहर को काट, मो देखा जिबे, तू काट दबो ते। मोते छाडीबा परे मोते किछि करिबनि तो? हेले तमे तो भूत ना, पक्षी रे जाळरु तमे बाहरी परिबनी की? आमे पिले जातिर पुत्ता निंब काठीरु पोहटरु याको बाहर को काडीबा आ मद्वारा संभव न हो। मो कथा दउची, मो किछि बी करबिनी, प्रथमे मते मुक्ति दे। राजू जालरे फसेथिबा बिले भूत को मुक्ति दे देला। तोर ई सहाय्य को मो धन्यवाद जणौची। कह तोर कहानी कर, काहि ए जंगल को आछु? जहा किछि घटीथिला राजू बिले भूत आगरे सब कथा कहला। ओ एपे 3 लाख मुद्रा दरकार। हाँ बिलई भूत, तमे कौन मते पैसा अर्जन करिबारे सहाय्य करिबो? निश्चय सहाय्य करिबी, मु तते गोटे रहस्य कहूची, भलरे सोड। से सुंदर पूर्वी पहाड़ रे पूर्णिमा दिन रे अधा राती परे कुंड रे पद्म फूल पाए गोटे किन्नर पक्षी आसिबो, ताको धरी की बिक्री कले तमको बहुत टका मिलिबो। मन रखिथा से पक्षी को क्षीर पीवा बहुत भल लगे, आसंता पूर्णिमा जाए पहुँचिले तेबे से पक्षी को थारी पारू। म्याओ, एबे जा। बिले भूत को धन्यवाद दे संगे संगे से जगह बाहर।
लंबा रास्ता अतिक्रम करी पूर्वी पहाड़ी रे पहुंचला। शेषरे बिलई भूत कहिथिबा जागा रे मु पहुंची गली। आज पूर्णिमा से किन्नर पक्षी को जेंती हेले भी धरिबा को पड़िबो। एहा चिंता करी से पोखरी रे जाल पके नर पक्षी रो प्रिय क्षीर पेड़ा गोटे छोटिया पद्म पत्र रखी गोटे गच्छ पछपटे से लुचिकी देखुला। अधाराती होगला दूर रु गोटे पक्षी चे चे शब्द शुभुचे आखला बेलू सतरे गोटे सुनेली रंगर पक्षी आसी बसी पड़ा। राजू को निज आखि उपरे विश्वास हो नथिला। आश्चर्य हो खाली देखुला फूल ने पक्षी क्षीर पीड़ा को शुंघिदेला। संगे संगे एपट सेपट देखला पाख पत्र क्षीर पीड़ा देखी खाइबा को गला। आ राजू पकड़ जाल से फसीगला। राजू संगे संगे दौड़ा से पक्षी को धरी पकेला। खुशी खुशी से पक्षी को नहीं गाँ पाई से बाहर। जमीदार गिरिनाथ बाबू को पक्षी रखा बहुत भल लगे। जाना ना पक्षीर कौ प्रजाति पाखे ना ए पक्षीटा जदि देदेवि से खुशी है कि बहुत टंका देवे मोते। यह चिंता करे से किन्नर पक्षी को गाँव रमीदार गिरिनाथ पाख को नहीं गला। साहेब बहुत कष्ट करी मु आपण को पाई पक्षी आनी किन्ना जातिर पक्षी। किन्नर पक्षी बा देखिबारे भी भल राजू मु एमिति पक्षी आज पर्यंत देखिनी एहार ना भी शुणिनी। मते पक्षी भल लागिला मते इटा दे दियो ता बदले रे मु 50,000 टंका देबी। 50,000 मुद्रा हो साहेब। ए पक्षीर सौंदर्य रे जहा भी देबी कम एनी 50,000 टंका। राजू से पक्षी जमीदार को दे दिला 50,000 मुद्रा नहीं गला। सेठी उपस्थित थिबा रंगा लुचिकी देखुथिला ताको जदि एमिति छाड़ी देबी 3,00,000 मुद्रा अर्जन करी से मोर जय हे कि बसी जीव घरे आको एमिति छाड़ी पारिबिनी। एहा चिंता करी से लोकमानन को डके टंका दे राजू को जीवन रु मारि देबा पई कहिला। किंतु राजू से मारी अधा मल अवस्था पठेला। चोर को पठेला परे राजू से 50,000 मुद्रा को नहीं जमीदार गिरिनाथ को दे। साहेब टंका आपण रखत मु गोटे छोट घरे थाए एत टंका मो पाखे रखी पारिनी आपण पाखे ही था मुझे नहीं जीवि एपरी कही चलीगला। तमाने हेला भड़ार लोक मैंने आर किछि करि पारिलेनी एमिति करिबाकु पड़िबो निजे ही निजकु मारी पकेबो। किछि चिंता करे चाला खोई जमीदार गिरिनाथर पाख को जाए। जमीदार साहेब आपण से पक्षी को भल से देखिले। हाँ एटा गोटे दुर्लभ पक्षी रंग और रूप केते भल। सेटा नुहे साहेब से पक्षी आगो परी नाही भल से देखिले। आगो परी नाही माने कौन कहवा को चाहू छ मते कुह। अन्य पक्षीर खाइबा आकु देबा जोगु ए बहुत दुर्बल हे सारिलाणी। ए दुर्लभ प्रजातिर पक्षी ना आकु देइथिबा खाद्य भी अलगा हबो जदि आकु एमिति छाड़ी देबे हेले किछि समय रे से मरि जीव। तमे कौन कहू छ रंगा खाद्य जोटा अन्य पक्षी मानन को दिया हुए ताकु छाड़ी को कौन देबा। एमिति दुर्लभ पक्षी मानकर खाइबा पाई दे फुलर बीज थाए एमिति गोटे गछ आणी कि पछरे लगेबा भल। देवकेशर फूल बीज एटा कौटि मिलिबो तुमको केमिति जणा। जेतेबेले मु मोर सांग को ए पक्षी विषय कहिली हेले सीए मते कहिथिला साहेब ए बीज कौटि मिलिबो ताकु भी जणा नाही। से कहिछि पक्षी को आनीथिबा लोक निश्चित रूपरे जानिबो। रंगार कथा को सत कहि जमीदार राजू सह देखा कला। राजू ए पक्षी सामान्य पक्षी नुहे एटा देव पक्षी आकु अन्य पक्षी मानकर आहार खुएबा कथा नुहे ए केवल देवकेशर फूल बीज खाऊ तुमको ही आने को पड़ा नहले आकु नहीं जाओ।
साहेब ए बीजो विषय मु प्रथम थरे सुनुछि कोठी मिलुछि मते कहंतु मु नै आसीबी तमे पखियाणी छ तमको जणा नै कोठी सतरे जानु नै सेटा कोठी मिलिबो साहेब मते जणा नै केमिति आनिबो कोठी रो आनिबो देवकेशर फुलर बीज मते सप्त भितर दरकार नहले तमको देइथिबा 50,000 टंका मु फेरै नेबी नहले तमको घरु बाहर करि देबी सावधान एति की कहि जमीदार रागी के चली गला राजो बुझी पारलानी तांकु केमिति अणा जीव लुची की देखो थे रंगा हाँ ए बेहरा काम सरिला जो बीज होनी सेटा कोठरु आनिबो राजू निराश होई जाउथला एबे जमीदार कहितिबा कथा राजू कानरे पडुथला गोटे सप्ताह भीतर से देवकेशर फूल बीज आण 50,000 टंका सेटा भी फेरी नेबी मु आउ तमको गांरु बाहर करि देबी सावधान रहिबो राजू समीरा पाखो को जाय काहेकि समीरा ए सब मो सहित ही काहेकि होउछि मते जणा नै से बीज केमिति दिसे केमिति आनिबी मु सेगुडा केमिति आनिबी मते जणा भी नै सेगुडा सतरे अछि किम्बा नाही कोन हेछि मते पूरा कथा तो कह राजू राजू समीरा को विस्तार रे सब कहिला एबे तहले कोन करिबा राजू मु भी किछि बुझि पारुनी समीरा एति के कहि राजू एकुटिया ही से जगहरु चली गला जमीदार साहेब केमिति जानी पारिले से पक्षी देवकेशर रो फूल बीज खाउछि से बीज कोन सतरे अछि किए मोर सहायता करबा पई थिले भले ही थांता जे मनर से चिंता करथिला तबे बिलेई भूत प्रकट हैला अरे आ को सांगो काई खोजु छ मते माने पकेला मुकण सांगो न हो तमे आसी गले सांगो से पक्षी को जमीदार को देखी देखो मोर कोन अवस्था हेछि एबे मु बुझी पारुनी कोन करबी ओ फो एते चिंता काहे करूछु बिलेई भूत अछि ना संगरे चलो जमदग्नि पाखा को नै जिबी एपरि कहि बिलेई भूत जंगल रास्ता रे ताकु जमदग्नि आश्रम रास्ता को नै गला जमदग्नि महर्षि मो संग विपत रे पड़ी छि जेमिति भी कटिके सहाय्य करंतु जहा किछि घटितिला महर्षि को आगर सब कुहा गला जमदग्नि निज दिव्य दृष्टि रे सब जानी राजू तमको तमार होउथिबा ससुर ही विरक्त करूछि ए सबु तांकर ही काम से जदि भूल बसत कहिथिबे सतरे से देवकेशर गच्छ उतार बीज भी हुए एटा कोरवा द्वीप रे मिले बिलेई भूतर साहाज्यरु ताकु नै कि आस जमदग्नि से देवकेशर गच्छर फूल पाए कोरगा द्वीप रे किपरि जिबार अछि विस्तार रे कहिले संगे संगे बिलेई भूत राजू जाय बहुत कष्ट समुद्री यात्रा करे ताको नहीं आसिले जमीदार घर को जाई जमीदार को दे देले तब बस राजू तमे करी देखेला एई नियो गोटे लक्ष मुद्रा ए सब तम पाई आपणकर अशेष कृपा साहेब धन्यवाद ए पैसा को भी कृपा करके आपण पाखरे रखंतु जमीदार चाकर जे सब जिनस देखुथिला ते दौड़ी के रंगा पाखो को गला साहेब जमीदार राजू को गोटे लक्ष मुद्रा देले सतरे गोटे लक्ष मुद्रा हो साहेब मु ए सब निज आखिरु देखि के आसी छी जेति की भी षड्यंत्र करिले ताकु किछि करि होनी मोर संदेह अछि ताकु के सहाय्य करू छी मोते लागु छी 3,00,000 मुद्रा आनी की से मोर झियो को बाहा करि नै जीव एपरि चिंता करी कोनोसी भी प्रकार रे राजुर विनाश पाए गोटे शूद्र तांत्रिक पाख को गला मोर झियो सहित बाहा करूथिबा से राजू को निज शूद्र शक्ति रे जेमिति हेले बीमारी पकाओ जेते टंका दरकार मु देबी ताकु मारिबार हेले ता उपरे जादूटना करबा को पड़िबो तार व्यवहार किछि जिंस थिले दियंतु मते एपरि कहि चाकर को राजू घर पछपट को पठे सुखा जाइथिबा तार कपड़ा को चोरी करी आनिबा को कहिले समीरा पाखरे थिबा राजूर मुदे समीरा सोइबा समय रे ता अंगुठी रु बाहर करी नै जाय तांत्रिक को दे देला तांत्रिक सूत्र तंत्र करी मोदी को रंगोली भितरे रखी रम रोदना रोजम क्रोधना गर्वेरियम गरम अंग अचेतन वंग वेदम निर्वियम करम रोदन पेत पिशाच शाप वशम वनम वनम ए भली तांत्रिक राजू परे मंत्र करिबा परे ही स्मशान रास्ता दिन राजू भूत पिशाच प्रवेश करी गेलो
ତୁରନ୍ତ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ସେ ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତା ଚେତା ଫେରିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲେଇ ଭୂତକୁ ଡାକିଲା। ସାଙ୍ଗ ବିଲେଇ ଭୂତ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ, ତମେ କୋଉଠି ବିଲେଇ ଭୂତ? ବିଲେଇ ଭୂତ ରାଜୁ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ପାଖରୁ ବାମନ ଭୂତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା। ବାମ ବାଗିନେ ବାଗୁତେ ବାମ ବାଜିରେ ହମ ହିରନେ କିର୍ତେ କିଦା କାଜିରେ ଉଡ଼ତେ ମେଡ଼ତେ ବୁମ ବୁ ସ୍ୱାହା ଉଡ଼ତେ ମେଡ଼ତେ ବୁମ ବୁ ସ୍ୱାହା। କାକି ରାଜୁକୁ ଦେଖି, ଆରେ ୟା ଉପରେ କିଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କରିଛି? ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ବି ଭୂତ ରାଜୁକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ତୁ ନୋଇବୁନି, ରହ ତତେ ଏବେ ଦଉଛି ରହ। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ବେତାଳ ମୁକୁଟଟିକୁ କାଢ଼ି ରାଜୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରବାଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ ଏହାଭଳି ରଶ୍ମିଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ତାକୁ ଆବାହନ କରୁଥିବା ସେଇ ଭୂତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କାକି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ। ରାଜୁର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ବିଲେଇ ଭୂତ କାକିକୁ ରାଜୁର ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲେ। ରହ ମୁଁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଆସିବି, ଚାଲ। ରାଜୁ ସମୀରା ସହିତ ଘର ପଛପଟେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଏହା ଜାଣିକି ବିଲେଇ ଭୂତ ରାଜୁର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର। ତା କାନରେ କିଛି କହି ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇ ପଠେଇଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଲେଇ ଭୂତକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଦେଲା। ସେପଟେ ଜମିଦାର ଘରେ କିନ୍ନର ପକ୍ଷୀକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଫଳକୁ ଲୁଚେଇକି ଖୋଇଦେଲା ରଙ୍ଗା। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଜମିଦାର ବହୁତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ଜମିଦାର ସାହେବ, ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ବେକାରରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ଦେଇକି କିଣିଲେ ବୋଧେ ଆକୁ କିଛି ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବ। ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ଏବେ କଣ କରିବା, ଏତେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଦେଲି କିଛି ବି ହଉନି। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗା, ଦେଢ ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯାଇଥିବା ସେ ରାଜୁକୁ ଜଣାଥିବ, ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି? ଏହିଭଳି ରାଜୁ ବିଷୟରେ ଗପିଲା। ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜମିଦାର ରାଜୁକୁ ଡକେଇଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ଯୋଉ କିନ୍ନର ପକ୍ଷୀକୁ ତମେ ଆଣିଥିଲ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଦିଅ, ମରିଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଫାଶୀର ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଜମିଦାର କଥାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କିଛି କଥା ନ କହି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲେଇ ଭୂତକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏତେ ସମୟ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା, ମୋ ସହିତ ରହୁଥିବା ସେ ବିଲେଇ ଭୂତକୁ କଣ ହେଇଥିବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଯାଉଥିଲା, ଏତେ ଥରେ ଏବେ ତାକୁ ଡାକୁଛି ହେଲେ ସେ ଫେରୁନି କାହିଁକି? ଏତେ ଖୋଜିବା ପରେ ବି ପାଇଲିନି, ହେଲେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? ଏହା କହି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେପଟରେ ବୋତଲରେ ବିଲେଇ ଭୂତକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଦେଖାଗଲେ। ଏ ବୋତଲରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଭୂତକୁ ଧରିଥିଲି, ହେଲେ ଏଥିରେ ତ ମତେ ଦୁଇଟା ଭୂତ ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭୂତ କିଏ? ଆରେ ଭୂତ ତମେ କିଏ? ଠିକରେ ମତେ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଶେଷ କରିଦେବି।
ମୋ ନାଁ ମାଲିନୀ, ମୁଁ ରାଜୁର ମା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ମରିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରାଜୁର ଚାରିପଟରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାଏ। ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ତେବେ ବୁଲେଇ ଭୂତ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜୁକୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ତେବେ ରାଜୁକୁ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବନି। ଜାଣିଶୁଣି ବିଲେଇ ଭୂତ ମୋ ପୁଅ ପକାଇଥିବା ଜାଲରେ ସେ ଫସିଲା, ଆଉ ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖା ବି ଗଲା। ସିଏ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ତା ଭିତରେ ଆବାହନ କରିଦେଲା। ସେବେଠୁ ଯେବେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥାଏ, ମୁଁ ବିଲେଇ ଭୂତ ରୂପ ନେଇ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆରେ ତମେ ମୋ ରୂପ ନେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କହିଦେବ ମୁଁ ବିଲେଇ ଭୂତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତମ ମା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥ ଆୟୁରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଦୀପଲୋକରେ ବରଦାନ ଦେଇଥିବା ସେଇ ୟକ୍ଷିଣୀ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ରହିପାରିଲି। ୟକ୍ଷିଣୀ ବରଦାନ ଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା, ଯଦି ତୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ପୁଅର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉଛି ତା ମା, ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତୋର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୋ ଆତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିନଥିଲି କି ମୁଁ ହେଉଛି ତା'ର ମା, ଆଉ ବିଲେଇ ଭୂତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜୁର ମାଆର ଆତ୍ମାରୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ମାର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଫଟ ଫଟା ଫଟ ପ୍ରେତ ବନ୍ଧନମ କଟ କଟା କଟ କରୋର ତନ୍ତ୍ରମ ଆତ୍ମଦିଗ ବନ୍ଧନମ ଚଟ ଚଟା ଚଟ। ଯେପରି ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅଲଗା କାଚ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜୁର ମାଆର ଆତ୍ମାର ବୋତଲକୁ କବଚ ତନ୍ତ୍ରରେ ରଖି ସେ ସେହି ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାମନ ଭୂତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ବମ୍ ବଗିନେ ବଗୁତେ ବମ୍ ବଜିରେ ହମ ହିରନେ କିର୍ତେ କିଦା କଜିରେ ଉଡ଼ତେ ମିଡ଼ତେ ବୁମ୍ ବୁ ସ୍ୱାହା ଉଡ଼ତେ ମିଡ଼ତେ ହୁମ୍ ହୁ ସ୍ୱାହା। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖି ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବିଲେଇ ଭୂତକୁ ମୁକ୍ତ କରେଇଲା ବାମନ ଭୂତ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜୁର ମାଆର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ହେଲେ କବଚ ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସହିତ ଉଡ଼ିକି ଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି କାକିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ହରାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଜଳେଇକି ଖସ୍ତ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ରାଜୁର ମାଆର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଆରେ ବାମନ ଭୂତ, ଯା ଜାମଗରି ପାହାଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସେ, ସେହି ପତ୍ର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, ବହୁତ ଚମକୁଥିବ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାମନ ଭୂତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଜମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସଞ୍ଜୀବନୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସି କାକିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ସମୀରା ଆଉ ରାଜୁ ମିଶି ଜମିଦାର ଘରକୁ ଗଲେ। ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କିନ୍ନର ପକ୍ଷୀକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପତ୍ରର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ପକ୍ଷୀ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେବ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ପଦ୍ମ ନେବାକୁ ଆସେ। ଏଇଥରକ ମୁଁ ରାଜୁ ଜାଲରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଫସିଗଲି, ରାଜୁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ରଙ୍ଗା ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ ରାଜୁ ସହ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ମୋତେ ବିଷ ଖୁଆଇ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବି କରିଥିଲା ରଙ୍ଗା। ମୁଁ ଜଣେ ଦେବ ପକ୍ଷୀ,
आउ से मते मारिबाकु भी चेष्टा कला सेतिबाई से आजि ठारो देखि परिबनी आउ बहुत कष्टले से निज जीवन बितेबो एटा मोर अभिशाप हे परे राजु मते बंदी करिचे हेले से जाणी सुणी मते हैरान करबाकु नु निज भल पाइबा पई करिचे राजु पिलै भूत पामन भूत मंत्र बालिका किंक सहाय्य रे तमे मते बंचैल तम पई नियमर उपहार न्य एतिके कहि किन्नर पक्षी सेठ उभान गला जो जगह से उभान हेला से जगह से सुना रत्न हीरा छाड़ी गला जमीदार को मिछ कहि असहाय प्राणी को हैरान करिबा पाई जमीदार रंगा को आजीवन कारावास देले राजु किन्नर पक्षी द्वारा दिया जाइतिबा सुनार किछ अंशरु समीरा सहित धूमधाम रे विवाह कला राजु से सुना हीरा को बिक्री करी सेथरो निजर गोटे व्यापार आरंभ कला एहा को देखि राजुर मार आत्मा से दुई जन को आशीर्वाद देला से आकाशरे विलीन होइगला समय रे मंत्रवाली काके से सहाय्य करथुपारु तांको धन्यवाद भी जणाइला चाचू एते दिन हेलाणी मोर उपर तो मां ही तते सहाय्य करथुला तते खुशी रे देखि तो मां पर लोक को शांति रे चली गला मां मु तबर ऋण केभी भी देई परिबिनी मार भलो पाइबा सब दिन पाई थाए अच्छा छुआ माने तमो अधिक मां को भलो पाओ ना बापा को कमेंट रे जणाओ।